आज हमारे साथ में माननीय चंद्रशेखर आजाद जी खड़े हैं, भीम आर्मी से ये हरियाणा के प्रभारी जी खड़े हैं हमारे साथ में। तो आज बहुत अच्छे माहौल में हमारी मीटिंग हुई है और माननीय चंद्रशेखर जी ने आज जो हमें आश्वासन दिया है वो, और इनसे मिलके जो हमारे सामने बात आई है, इनके मन में एक चिंतन है देश के प्रति और एक देश की जनता के प्रति, उसके लिए इनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। और जो आंदोलन अभी देश में चला हुआ है 3 अध्यादेशों को लेके, जो किसान आंदोलन है उसमें बाकी भी बहुत से लोग समर्थन कर रहे हैं, तो उसका जो चंद्रशेखर जी ने और पूरी इनकी टीम ने भीम आर्मी की तरफ से जो सहयोग देने का आश्वासन दिया है और ये कहा है कि पूरे देश में इस आंदोलन को अगर चलेगा तो पूरे देश में समर्थन करेंगे, हाँ उसके लिए बहुत बहुत हम उनके आभारी हैं पूरी भीम आर्मी के। और हम भी आश्वासन दिलवाते हैं कि अब जो देश में माहौल है वो कारपोरेट वर्सेस आम जनता है और पूरे देश की आम जनता को जागे जाना चाहिए, पूरे देश, वरना पूरे देश का कारोबार चंद लोग समेट रहे हैं और पूरा देश भूखमरी के घर में पहुंच जाएगा। इस देश को बचाना, ये बीजेपी का देश नहीं है, ये अंबानी और अडानी का देश नहीं है, तो पूरे देश की जनता इसमें सहयोग करे। और एक बार फिर हम माननीय प्रधान जी जो हैं भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी, उनका पुनः धन्यवाद करते हैं। हरियाणा में जो आंदोलन चल रहा है उसको हमारा पूर्ण समर्थन है और जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे, जैसे भी हमारे किसान यूनियन के अध्यक्ष जी का आदेश होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। और मेरी सभी लोगों से प्रार्थना है कि इस आंदोलन में जुड़ के जो है, ये सिर्फ ये अध्यादेश सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, और अपने देश को बचाने के लिए इस आंदोलन को मजबूत करें। और अगर ये आंदोलन हरियाणा से आगे बढ़कर पूरे देश में जाएगा तो हमारे पूरी परिवार जो है आजाद समाज पार्टी का, भीम आर्मी का, इस आंदोलन का पूर्ण समर्थन करेंगे और जब तक अध्यादेश वापस नहीं होते हमारा संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद।